वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, या इन क्वेश्चन की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेज आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UPSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UPSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 140 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। तो 141st क्वेश्चन है, मध्यकाल में प्रयोग होने वाला रहट क्या था? ऑप्शन ए बारूद की तोप को कहते थे, ऑप्शन बी है नक्काशी में प्रयुक्त तकनीक थी, ऑप्शन सी है सिंचाई में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी थी, या फिर जलयान बनाने की प्रौद्योगिकी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इरिगेशन वाज रहट यूज्ड इन मिडिवल टाइम्स। 142nd क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है MN राय, या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MN राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, ऑप्शन सी राइट होगा। 143rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है रेड ब्लैक पॉटरी, ऑप्शन बी है टेराकोटा मूर्तियाँ, ऑप्शन सी है चित्रात्मक स्क्रिप्ट, या फिर डी है धात्विक धन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेटेलिक मनी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं थी। इसमें आप रेड ब्लैक पॉटरी देख सकते हैं, टेराकोटा मूर्तियां देख सकते हैं, चित्रात्मक स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, लेकिन धात्विक धन नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। 144th क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन ए गोंडोफर्न, ऑप्शन बी है वेमकेट फिशर्स, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र सुंग, और ऑप्शन डी है बृहद्रथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडोफर्न के समय पर सेंट थॉमस भारत आए थे। 145th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में प्रतिरोध का प्रभार संभाला था? ऑप्शन ए है जेम्स आउट्रम, ऑप्शन बी है ह्यूग व्हीलर, ऑप्शन सी है ह्यूरोज, और ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट विलोबी। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूरोज ने झांसी में विरोध जो था या विद्रोह जो था 1857 का, इसके प्रतिरोध का प्रभार संभाला था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी है सचिन सान्याल, और ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी और 1915 में की। 147th क्वेश्चन है, किसके तहत बंगाल मद्रास बम्बई
और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था। ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम, या ऑप्शन सी है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, या ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत बंगाल, मद्रास, बंबई और सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 148 क्वेश्चन है, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बेलगांव, ऑप्शन सी है कराची, या फिर ऑप्शन डी है बनारस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बनारस का अधिवेशन होता 1905 में। इसमें बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। 149th क्वेश्चन है, बृहद संहिता के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ बृहद संहिता? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है वराह मिहिर, ऑप्शन सी है अमर सिंह और ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो राइट आंसर आप याद कर लीजिए, वराह मिहिर बृहद संहिता के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? बहुत ईजी प्रश्न है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर चूज करिए ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। 151st क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 5 मार्च और ऑप्शन डी है 19 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 152nd क्वेश्चन है, स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 153rd क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा कब हुआ था? When was the case against the members of आज़ाद हिंद फौज? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1943। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में। 154th क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई ने, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन सी है कैलाश नाथ काटजू ने, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, इन सभी सदस्यों ने आज़ाद हिंद फौज की वकालत की थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 155th क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने कब की थी? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1936 या ऑप्शन डी है 1940। राइट आंसर इज 1942, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई सिंगापुर में और कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। 156th क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान को कब संभाला था? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1945। तो इसका राइट आंसर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। 157th क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था, UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है। आप पिछले एग्जाम्स को भी फॉलो करते रहिए, अगर आपके प्रश्न ईजी लग रहे हैं तो प्रश्न भी इनसे बन ही जाते हैं। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी की रानी। देखिए, अभी तक आपने आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न देख लिए हैं, यही प्रश्न स्टेटमेंट में भी बन के आ सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी आप कई क्वेश्चंस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 158th क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1946। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था
और 159 जो क्वेश्चन है वो अंतरिम सरकार के सदस्यों और उनके विभाग से रिलेटेड है और कौन सा एक करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया। ऑप्शन बी है, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। ऑप्शन सी है, अनासफ अली को रेलवे विभाग। और ऑप्शन डी है, लियाकत अली को स्वास्थ्य विभाग। कोई एक है जो गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियाकत अली स्वास्थ्य विभाग से जुड़े नहीं थे। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था, पहले तो ये याद कर लीजिए। और स्वास्थ्य विभाग दिया गया था गजनफर अली खां को, ठीक है, गजनफर अली खां को, ये याद रखिएगा। कुछ और भी विभाग हैं आप याद कर सकते हैं, जैसे कृषि और खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ठीक है। उपाध्यक्ष विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के जो प्रभारी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा श्रम विभाग भी याद रख सकते हैं, जगजीवन राम को दिया गया था। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष विस्काउंट वेवल थे, इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है बलदेव सिंह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया भी था आपको, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये हो गए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने हिस्ट्री से रिलेटेड देखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जो भी सुझाव हैं उन्हें भी दीजिए। और इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आर ओ री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिना देर के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदर कोई जानकारी चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड पेड ग्रुप के लिए तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज करके आप इन पर जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आती हूँ अगली क्लास में।